नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थाना के रजिस्टर नंबर 19 यानी मालखाना रजिस्टर संबंधित जो रजिस्टर होता है उसको हम CCTNS पर किस प्रकार से एंट्री करते हैं, किस प्रकार से चलाते हैं, उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। मालखाना के रजिस्टर को चलाने के लिए हमें थाने के अंदर MM की ID की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम किसी भी जर्नल एंट्री को, जब हम जर्नल एंट्री सबमिट करते हैं जर्नल डायरी में जाते हुए, तो उसको हम कहाँ सबमिट करें कि वो मालखाना के एंट्री में सबमिट हो, उस चीज़ के बारे में समझेंगे। इसके लिए हमें जर्नल डायरी को समझना होगा। जर्नल से एंट्री जो मालखाना से रिलेटेड आएगी, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं केस डायरी टाइप को। नीचे यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी डिपॉजिट इन मालखाना। प्रॉपर्टी डिपॉजिट इन मालखाना में हमें उन सभी एंट्रियों को सबमिट करना होता है जो FIR से रिलेटेड नहीं होती हैं, अदर रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हमारे 102 CRPC के व्हीकल हो गए, इम्पाउंड व्हीकल हो गए, या कोई अदर टाइप से हमारे पास यदि कोई प्रॉपर्टी डिपॉजिट हो रही है मालखाना में, उन सभी को हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। प्रॉपर्टी रिलीज में हम उन सभी संबंधित प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी में डालते हैं जो हमारे मालखाना से आउट होती हैं, और प्रॉपर्टी सीज्ड में हम उन सभी एंट्रियों को डालते हैं, उन सभी एंट्रियों को करते हैं जो हमें किसी अभियोग से संबंधित प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी सीज्ड में आएंगे और यहाँ पे हम ऑफिसर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका ब्रीफ लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी सीज्ड जो रहेगी वह मालखाना जो होता है, जो 19 नंबर रजिस्टर चलता है, उसके रिगार्डिंग ये एंट्री रहेगी। अब उसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या करना है। दूसरे स्टेप में हमें MM की जो ID होती है उसकी वर्क लिस्ट में जाना है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 56/2024 जो हमने एंट्री बनाई थी वो अभी पेंडिंग है, एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो अभी पेंडिंग दिखा रही है वो मालखाना के अंदर। तो हम यहाँ पे जो टास्क नंबर है इसको क्लिक करेंगे। टास्क करते हमें यहाँ पे पता लग गया कि जो यह एंट्री थी, यह अभियोग संख्या 69/2024 के रिगार्डिंग थी, यह इस डेट को बनाई गई थी, इसका सीजिंग नंबर हमारे पास ये है, ये इस IO के द्वारा बनाई गई है, इस डेट को बनाई गई है, और इसको मालखाना में एक्सेप्ट करने की जो डेट है वो जो अब करंट की जो डेट है, करंट का जो टाइम है वो है, और अब ये संबंधित है ऑटोमोबाइल से, और हम ऑटोमोबाइल में जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो हम रिकवर कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल है वो संबंधित है कंप्लेनेंट से, यानी शिकायतकर्ता की वो जो प्रॉपर्टी थी, और उसके एस्टिमेटेड वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो स्टेटस है वो मालखाना रजिस्टर में सीरियल नंबर 9 के अकॉर्डिंग सबमिट हुआ है। अब हम देखेंगे कि मालखाना रजिस्टर कहाँ पे होता है। मालखाना रजिस्टर के लिए हम रजिस्टर में जाते हुए स्टेट रजिस्टर को ओपन करेंगे। स्टेट रजिस्टर में हम यहाँ पे मालखाना एंड केस प्रॉपर्टी रजिस्टर को ओपन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी डेट को फिल कर लिया है, और हम यहाँ पे व्यू रजिस्टर करेंगे तो हमें यहाँ पे सभी एंट्रियाँ शो हो जाएंगी जो एंट्रियाँ हमने आज यहाँ पे की हैं। इन एंट्रियों को देखेंगे। अब हमने सबसे लास्ट में यहाँ पे इस एंट्री को किया है, पुलिस स्टेशन का नाम आ गया है, FIR नंबर सीज में FIR नंबर आ गया है, ये हमारा इस सीजिंग नंबर है, ये इसका टाइमिंग हो गया है, ये इसकी मालखाना रजिस्टर में जिस डेट को हमने डाला है वो डेट हो गई है, FIR यहाँ पे ये हो गया है, ये FIR नंबर हो गया है, ये FIR की डेट हो गई है, और ये इसकी सेक्शन हो गई है। यहाँ पे ये रजिस्टर जो किया है उसका सीरियल नंबर हो गया है, यहाँ पे क्या है व्हीकल है तो व्हीकल का यहाँ पे हमें आ गया, मोटरसाइकिल है, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ये है, इस प्रकार से यहाँ पे शो हो गया है। इस प्रकार से ये रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन होता है। इस प्रकार से हम
19 नंबर जो रजिस्टर होता है मालखान रजिस्टर, उसको हम CCTNS पे फिल करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।